वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में। आज हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, तो आप पहले डिफिनेशन नोट कर लीजिए, डिफिनेशन को मैं लास्ट में समझा दूंगा, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो पहले आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप पे आश्रित, है ना। तो अपने आप पे आश्रित जो करेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होता है। जैसे ये अपना एक क्वाइल, हम लोग इसमें क्या किए, करेंट दिए। करेंट क्या है? आई, है ना। आई करेंट इसमें दिए, है ना। आई करेंट दिए, जो करेंट क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। ये करेंट जो है आपका तो वेरी करने वाला, यानी चेंज करने वाला है। ठीक है, ये जो करेंट है अपना तो वेरी करने वाला, यानी चेंज करने वाला। ठीक है, अब देखिए, ये जो करेंट जो है वेरिएबल करेंट के कारण क्या होगा कि इस क्वाइल के अंदर, है ना, वेरिएबल करेंट के कारण इस क्वाइल के अंदर क्या होगा, यूज करेंट उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इसके कारण इसमें एक करेंट उत्पन्न होगा जिसका नाम हम लोग क्या देंगे? इंड्यूस करेंट। क्या नाम देंगे? इंड्यूस करेंट। इसके वजह से इसमें एक करेंट आएगा, इंड्यूस करेंट। क्या? इंड्यूस करेंट। क्या आएगा? इंड्यूस करेंट, यानी कि इसमें करेंट आया और इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं? तो अपने आप में चेंजिंग लाते हैं, ना, कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप में चेंजिंग लाते हैं। तो इसने क्या किया, जो खुद ही में करंट बनाया है, इसीलिए इसको क्या, सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। सेल्फ का मतलब क्या, खुद से कोई भी चीज़ करना। तो इस करंट को क्या बोलेंगे, जो खुद से इसने बनाया, उन्हें क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करेंट, है ना। और इसी इंड्यूस्ड करेंट का नाम है, सो उसको क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। इंड्यूस्ड करेंट, सेल्फ इंड्यूस्ड करेंट। ओके, अब देखिए, अब बात आती है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या होगा? तो ये इसका ये मेनली क्या काम करता है, जो जिस प्रॉब्लम के कारण इसने उत्पन्न हुआ, उस प्रॉब्लम को, है ना, ये क्या करता है? विरोध करता है। जिस प्रॉब्लम के कारण ये बना है उसको क्या करता है? विरोध करता है। आपके पास क्या होगा कि जब किसी प्रॉब्लम के कारण आप बर्बाद हो जाते हो, उसी प्रॉब्लम को हटाते हैं, है ना। तो सेम ये भी वही करता है, अपने रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, है ना, कि जिस प्रॉब्लम करेगा कि अपने प्रॉब्लम को दूर करेगा। ओके, वन मिनट। तो देखिए, पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इरेक्ट क्वायर लेंगे ना, और इसमें आई करेंट फ्लो हो रहा है, आई करेंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये आप बताइएगा, क्या करेंट इधर जाएगा या ये भी इधर आएगा? इसका सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड करेंट क्या होगा, इधर आएगा या इधर जाएगा? देखिए, जब इधर जाएगा तब तो ये सपोर्ट कर रहा है, जबकि नहीं, सेल्फ इंड्यूस करेंट सेल्फ इंडक्शन में इसको अपोज करेगा, है ना, अपोज करेगा, है ना। तो जब करंट इधर जाएगा तो ये अपोज कर देगा। हाँ, अपोज कब करेगा? जब करंट इंक्रीज कर रहा है, ना, जैसे ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसके उल्टा काम करेगा, है ना, इसके विरोध करेगा। तो इसको इंक्रीजिंग है, ना, आपका इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ये क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना, अपोज करेगा। और सेकेंड केस में क्या होगा, जो करेंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब करेंट डिक्रीज करेगा उस समय ये सपोर्ट करेगा, उसमें क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, है ना, जस्ट उल्टा काम करेगा। जो करेंट इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपोज करेगा, और करंट डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ओके,
तो यहां से एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड करेंट अपोज अपोज ग्रोइंग करंट यानी बढ़ने वाला करंट को अपोज करेगा और डूइंग को सपोर्ट करेगा, है ना। तो अपोज ग्रोइंग करंट, सपोर्ट करेगा डूइंग करंट को, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। ओके, इतना नोट कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, देखिए वो तो आपने क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था, छोटा सा, है ना, एक्सपेरिमेंट था। देखिए थोड़ी सी सेटअप चेंजिंग होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ले लिए, ठीक है, इसमें करेंट फ्लो करेगा और करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, तो फील्ड का डायरेक्शन ना लाइट हम लोग दीजिएगा, तो क्या होगा, इन्वर्ट होगा, है ना, राइट हैंड कम से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए करेंट क्या हुआ, बढ़ेगा, करेंट इसमें क्या हुआ, बढ़ेगा, यानी आई जो है इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए करेंट के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, आप बताइए करेंट के बढ़ने से क्या बढ़ेगा। तो करेंट के बढ़ने से इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना, फील्ड बढ़ेगा, करेंट के बढ़ने से फील्ड बढ़ेगा, और फील्ड के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, तो फील्ड के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना, फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स यानी करेंट बढ़ेगा, करेंट के बढ़ने से फील्ड, और फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यदि, है ना, यदि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है दोस्तों। और इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, है ना, तो इसको इंक्रीज करने से क्या होगा, जरा आप फैराडेज लॉ याद कीजिएगा, है ना। यदि आप फैराडेज लॉ पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फैराडेज लॉ देख सकते हैं, अन्यथा आप टाइप कर सकते हैं फैराडेज लॉ, तो फिर आप वहाँ पर से देख लीजिएगा। सो फैराडेज लॉ से क्या होगा, इंडक्शन, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा फैराडेज लॉ से, ना, फैराडेज लॉ यही ना बोलता है। अब फैराडेज लॉ में अभी आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप वीडियो में देख लीजिए, है ना। अब देखिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा, तो जब करेंट फ्लो करेगा तो इंडक्शन करेंट बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, इंडक्शन करेंट, है ना, जब ये फ्लो होगा तो इंडक्शन करेंट आ जाएगा। और इंडक्शन करेंट के कारण लेंज लॉ के अनुसार लेंज लॉ से आप क्या बोल सकते हैं, जरा याद कीजिएगा लेंज लॉ। यदि आपने लेंज लॉ भी नहीं पढ़ रखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लेंज लॉ देख लीजिए। ओके, सो लेंज लॉ से आप क्या लिख सकते हैं जरा बताएंगे,
लेन देनों से आप क्या लिख सकते हैं, लेन देनों क्या बोलेगा, विल डिड प्राइमरी करें, प्राइमरी करेंट ओके, प्राइमरी करेंट। लेकिन देखिए ये तो बात तो यहाँ रहा है अपोज करने का, है ना, तो अपोज करने का तो होगा क्या, जो फिर हम ये करेंगे रिंग, तो इसमें करेंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, तो इसका फिर आप राइट हैंड थंब उसे निकालेंगे तो आउटवर्ड, सॉरी ये हाँ आउटवर्ड ही होगा, तो आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा, सो क्योंकि सो यहाँ से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ओके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग डेरिवेशन करते हैं, सो देखिए एक वाई लेंगे, ठीक है, इसमें आई करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करेंट फ्लो हो रहा है किसी एक का, है ना, किसी एक का फ्लक्स क्या है, फाई है, फ्लक्स फाई है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक का फाई है तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, या तो आप फाइव टोटल लिख दो, ठीक है, फाइव टोटल या फिर एन फाइव लिख सकते हो, एन फाइव लिख सकते हो, ठीक है, एन फाइव, क्योंकि देखिए इसमें एन नंबर ऑफ टर्न है ना, एन नंबर ऑफ टर्न है ना, सो आप एन फाइव लिख सकते हो, एन फाइव लिख सकते हो टोटल फ्लक्स को। और इसके बाद फाइव टोटल बराबर क्या हो जाएगा, फाइव टोटल सॉट ट्वेंटी लिख देते हैं, है ना, सॉट ट्वेंटी लिख दे रहे हैं, सो फाइव टोटल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर फाइव टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, एल आई, फाइव टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एल आई, देखिएगा ये आपका एक है, मान लीजिए ठीक एक है, तो इसका क्रेन, इसका करेंट जब आप बढ़ाओगे, है ना, इसका करेंट बढ़ाओगे, इसका फिर डायरेक्शन करेंट बढ़ाओगे यानी आई बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, है ना, आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, यानी करेंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, है कि नहीं, ओके, ये तो आप जानते हैं, है ना, ये तो आप पहले से जानते हैं, सो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल आई। अब एल क्या है दोस्तों, एल क्या है, तो एल आपका है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये डिपेंड किस चीज पे करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपका, डिपेंड करता है ओनली वन, शेप और साइज, शेप और साइज ऑफ कॉइल, शेप एंड साइज ऑफ क्वायर पे डिपेंड करता है, ओके, यहाँ तक अपलोड कर लो, ठीक, फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में दे देंगे।